पहली बात तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि भारत माता की जय और जय हिंद और वंदे मातरम। और मैं एक रिटायर्ड पर्सन हूँ, बट इस झंडे का महत्व तो मुझे पता है, क्योंकि जब हम सर्विस में थे तो हमेशा झंडा फहराया जाता था, और इस समय तो स्पेशली विशेष करके के झंडा फहराया जा रहा है। इसको एक तरह से त्यौहार मनाया जाना चाहिए, ये झंडा फहराने वाली बात नहीं, ये त्यौहार मनाना चाहिए और इस झंडे का इज्जत करना चाहिए। आज जो भारत माता और जो हम इस देश में आज़ादी पाए हैं, ये सब इस झंडे की बदौलत है। तो हम सब लोगों से आग्रह करते हैं कि झंडे का इज्जत कीजिए, मान कीजिए। एक ये कपड़े का टुकड़ा नहीं है, ये हृदय का टुकड़ा है। जिस तरह आदमी हार्ट अटैक आने से ख़त्म हो जाता है, उसी तरह आप इस झंडे का इज्जत नहीं करेंगे तो समझ जाइए आपका हार्ट अटैक आ गया। तो इसलिए मैं सबसे निवेदन करती हूँ, जो भी इनसे जुड़े हैं, जो इस धरती पर पैदा हुए हैं, ये सब इनकी इज्जत करें, इनका मान करें। तीन कलर नहीं है, 5 कलर इसमें आता है। तो ये चीज़ उनसे पूछिए, जो फौजी मर जाते हैं और उनके ऊपर झंडे से लपेटा जाता है। आज मैं न्यूज़ में देख रही थी किस तरह से राजस्थान के बॉर्डर पे ऊँट लोग होते हैं जो झंडा लेके तोप लेके चल रहे हैं, और हमारे गौरव आर्या जी बता रहे थे कि ये झंडा वो बाकायदा एक जानवर होके झंडा टांग के बॉर्डर पे खड़ा रहता है। तो हम सबसे निवेदन करते हैं, जो भी कास्ट गिरजा कभी नहीं सोचना चाहिए।